दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और आप सभी को बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या क्या बड़ी टिप्पणी की है वो सब हम आप लोगों को बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाए। तो चलिए आप सभी को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए सीबीआई जांच की आदेश दी है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो बिहार में सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने एफआईआर दर्ज कराए थे और जो उनके पुलिस बिहार की पुलिस ने वो एफआईआर दर्ज किया था उसको भी सही माना है। साथ ही साथ जो मुंबई की पुलिस जाँच कर रही थी उस पर भी सीबीआई को जो है सारी मदद करने के लिए और जितने भी अभी तक के सबूत इकट्ठे किए थे या फिर जो जो बयान लिए थे वो सारे अब सीबीआई को सौंप देने के लिए मुंबई पुलिस को आदेश दिया गया है। लेकिन इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ही कुछ अंतर विरोध लग रहा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जब महाराष्ट्र सरकार के वकील की तरफ से ये कहा गया कि हमें इस डिसीजन को जो है रिव्यू पिटीशन डालने की अनुमति दी जाए, तब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप इस पर रिव्यू पिटीशन नहीं डाल सकते हैं क्योंकि हमने जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता की ओर से और बिहार पुलिस की ओर से सीबीआई जांच की मांग की जो की गई थी उसको भी मंजूरी दी है। साथ साथ हमने खुद सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी इसमें सीबीआई जांच की आदेश दी है। तो यहाँ पर अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि एक ही केस में दो दो सीबीआई जांच की कैसे ज़रूरत है और एक ही केस में दो दो सीबीआई की जाँच के आदेश आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, या फिर बिहार पुलिस और जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता है उनके जो रिव्यू थे उनके जो मांग थे उनको सुना जाना चाहिए था, या फिर अदालत को खुद अपना इस पर जो है सीबीआई जांच बैठानी चाहिए थी। लेकिन इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक अजीबोगरीब फैसला दिया है, दो दो सीबीआई जांच, यानी कि एक सुशांत सिंह राजपूत और बिहार पुलिस जो मांग कर रही थी वो भी सीबीआई जांच है और एक सुप्रीम कोर्ट ने खुद से भी सीबीआई जांच का आदेश दिया है। तो यानी कि जो रिया चक्रवर्ती हो या फिर जो महाराष्ट्र सरकार हो जो मांग कर रही थी कि अगर सीबीआई जांच कराना ही है तो कराए, लेकिन जो बिहार पुलिस ने दिया है वो गलत है, या तो खुद केंद्र सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर आदेश दे सीबीआई जांच की, तो उसको भी माना गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो है इस पर सीबीआई जांच की आदेश दी है। और जो सुशांत सिंह के फैमिली की ओर से जो बिहार पुलिस की ओर से इस पर कहा गया था कि सीबीआई जांच होना चाहिए उसको भी सही माना है। तो ये जो कहीं ना कहीं एक अपने आप में कंट्राडिक्शन पैदा करने वाला डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट का आया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट शब्द में महाराष्ट्र के सरकार और पुलिस को कहा है कि सीबीआई को सहयोग करे और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सीबीआई को दे। तो इसमें भी एक सवाल खड़ा होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है सीबीआई जांच का तो वो तो खुद जो महाराष्ट्र की सरकार है और पुलिस है उसको तो कोऑपरेट करना ही पड़ेगा, तो ये अलग से कहने की क्या ज़रूरत है। इसमें भी कहीं ना कहीं एक जो विरोधाभास है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब अगर हम शॉर्टकट में निकाले छोट में निकाले तो ये साफ है कि जो बिहार के लेकर ये मुकदमा चल रहा था कि उनको अधिकार नहीं है मुकदमा दर्ज करने की, उसको जीरो एफआईआर के तहत जो है मुंबई भेजना चाहिए था, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि उनको गलत भी नहीं माना है और सही भी नहीं माना है। साथ ही साथ जो बिहार सरकार के खिलाफ जो महाराष्ट्र सरकार कह रही थी कि हमें अब इस डिसीजन के खिलाफ जो है रिव्यू पिटीशन डालने की अनुमति दे उसको भी मना कर दे, यानी कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का आभास है कि हमारा डिसीजन गलत है क्योंकि अगर इसको लार्जर बेंच में भेजा जाना चाहिए था इसको रिव्यू पिटीशन होता तो कहीं उनका जो है डिसीजन पलट सकता था, सीबीआई जांच पर रोक लग सकती थी, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आप रिव्यू भी नहीं कर सकते। ये भी शायद भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि रिव्यू पिटीशन डालने से अदालत ने अपना डिसीजन में ही मना कर दिया है कि आपको रिव्यू पिटीशन डालने का भी अनुमति नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही चौंका देने वाला फैसला है। लेकिन ओवरऑल हम बात करें तो सीबीआई के पास ये जाँच चला गया है। साथ ही साथ सीबीआई ने के पास जांच में ये भी कहा गया है कि अब इस केस से जुड़ा हुआ कोई भी मुकदमा कहीं पर भी दर्ज होता है तो उसका भी सीबीआई ही इस पर जो है इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो ये बात भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी बात निकल के सामने आ रही है। लेकिन इस पर जो है कानूनविद जो पूर्व डीआईजी है उनका ये भी कहना सामने आया है कि इससे जो है एक गलत मैसेज जाएगा और अब ऐसा होगा कि घटना कहीं पर भी हो जिनका प्रभाव जिस क्षेत्र में रहेगा वहाँ पर जाकर वो मुकदमा दर्ज कराएंगे और उसी प्रकार से उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा। तो कहीं ना कहीं ये बयान जो है ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन जो है वो बहुत ही चौंका देने वाला है, बहुत ही कहीं ना कहीं एक भारत के इतिहास में अपने आप में एक अलग डिसीजन है। तो इस पर आगे हम अपडेट लेकर आएंगे, तब तक बने रहे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे इस पर आगे की अपडेट लेकर बहुत जल्द, तब तक बने रहे, नमस्कार।